आइंस्टाइन ने कहा था कि अपने कार्य को महत्वपूर्ण मानते हुए तथा उसमें संपूर्ण रसास्वादन करते हुए तन्मय हो जाना वह उपाय है जिसे अपनाकर कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। मैं केपी सर, मैथ्स वाई केपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप कुशल होंगे और जो है आज हम देखेंगे 12th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2 के बचे हुए दो क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या था, हमें क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है। इसमें चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग 38 एंड 39, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें इनमें से सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प क्या है, आपके पास क्वेश्चन दिया होगा और चार आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सिर्फ उन चार ऑप्शंस में से क्वेश्चन को बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे चूंकि ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है और आप जानते हैं इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है कि क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन कर दो, जो ऑप्शन होगा उसको टिक करो। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन उतने अच्छे से नहीं आता तो आप जो ऑप्शंस हैं उनके वन बाय वन डिफ्रेंशिएशन कर लो, वहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहले तरीके से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 क्या है। इसको जमाने की आवश्यकता नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये कह रहा है आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10x log ऑफ x बेस 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10ex। अब ये जो क्वेश्चन है इसका करना क्या है, हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन दिया है, तो हम सपोज करेंगे लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t। अगर हमने इसको t माना तो x की पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का क्या होगा, 10 की पावर x log ea, मतलब log e 10, और ये क्या हो जाएगा आपका dx इक्वल टू dt। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/t और ये मिल गया dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्या होता है, log t, और अगर हम t की वैल्यू डालेंगे x इक्वल टू log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, तो ये ऑप्शन हम देखते हैं हमारा जो d ऑप्शन है वो इसको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे भी हम इसको क्वेश्चन को देख सकते थे कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो ये कभी नहीं आने वाला था, इसका करते तब भी नहीं आता, इसका करते तब भी नहीं आता, और log का करते तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ये नीचे आ जाता और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते तो ये आ जाता, ये सीधी सी बात थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39, उसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको करने के लिए चूंकि नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है और हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 को रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो 1/ साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो आई इक्वल टू ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन हो गया। ये दो क्वेश्चन बचे हुए थे जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। हम कल से 7.3 एक्सरसाइज के वीडियो बनाएंगे लगातार। अगर आप कक्षा 12th में हैं और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।